नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 11 अक्टूबर 2019, तो आज हम देखेंगे 11 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। ये दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8 अक्टूबर है वह इसका राइट आंसर हो गया। तो अब देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। तो आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर का जो पहला क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स हर एग्जाम में दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो यदि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो करंट जीके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कलाम स्टडी से अच्छा करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं, फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जो फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम है उसकी शुरुआत दोस्तों CBDT के द्वारा की गई। तो ये CBDT क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, CBDT। तो इसके बारे में देखते हैं, तो ये फोटो में दोस्तों इसकी शुरुआत की जा रही है, इसके फोटो आप देख पा रहे हैं। तो CBDT से हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी कहते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह दोस्तों PC मोदी हैं, वह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो CBDT बोले या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोले, इसने फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की है, जो एक आकलन अधिकारी और एक निर्धारित के बीच भौतिक इंटरफेस को समाप्त करता है। इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र यानी NEC का भी उद्घाटन किया है। अब इस स्कीम के बारे में और जान लेते हैं। तो फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम में से आयकर मूल्यांकन प्रणाली में मानवीय इंटरफेस को समाप्त करके कराधान में प्रतिमान बदलाव लाने की उम्मीद है। योजना के कार्यान्वयन के लिए IT विभाग के कुल 2686 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं दोस्तों NEC NESC के द्वारा करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच कोई भौतिक इंटरफेस नहीं होगा। इसके अलावा उपरोक्त पारदर्शिता और दक्षता लाएगा और मूल्यांकन दोस्तों और उसकी निगरानी को गुणवत्ता में सुधार करेगा। तो यह है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होगा, वह पहला डे केयर सह मनोरंजन केंद्र है। इसका उद्घाटन लेह में किया गया, लेह लद्दाख में किया गया है। तो लेह इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, लेह में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित और संचालित पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। डे केयर सेंटर सरकार और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सह प्रायोजित है और ये वरिष्ठ नागरिकों को जरा चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य परामर्श और चेकअप, फिजियोथेरेपी सहित सभी प्रकार के चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। दोस्तों, यह वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कानूनी मुद्दों पर कानूनी सेवाएं भी प्रदान करेगा। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। यह डे केयर है, यह लद्दाख क्षेत्र के वृद्ध लोगों के लिए मनोरंजन, चिकित्सा और कानूनी सेवाओं के लिए एकमात्र जरिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे PDF फाइल का लिंक दिया हुआ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जाकर आप उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्ट फिल्म ने हाल ही में संपन्न माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है, तो उस शॉर्ट फिल्म का नाम है स्प्रिट ऑफ केरल। तो स्प्रिट ऑफ केरला या स्प्रिट ऑफ केरल उस शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसने ये अवार्ड जीता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये फोटो में आप स्प्रिट ऑफ केरला का जो पोस्टर है वो आप देख पा रहे हैं। अब इसके बारे में देखते हैं, इसे अवार्ड क्यों दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। तो देख लेते हैं, तो केरल की शॉर्ट फिल्म स्प्रिट ऑफ केरल ने दोस्तों हाल ही में संपन्न माई रोड रील फिल्म्स प्रतियोगिता में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। फिल्म की ने दोस्तों 1680 प्रविष्टियों को हराकर, यानी कुल 1680 प्रतिभागी थे उनको हराकर यह सम्मान इस फिल्म को मिला है। यह शॉर्ट फिल्म एक बोट रेस पर आधारित है और अरुण जोशी द्वारा
निर्देशित डायरेक्शन की गई है। दोस्तों माई रोड जो रील फिल्म प्रतियोगिता को विश्व की सबसे बड़ी शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता कहा जाता है, जिसका अवार्ड इस बार भारतीय जो फिल्म है स्पिरिट ऑफ केरल उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत की गई है, तो यह कब मनाया गया है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो मनाया गया है यह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 से 10 अक्टूबर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। फोटो में आपको वर्ल्ड स्पेस वीक अक्टूबर 4 से 10 आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वह दोस्तों एंटोनिया गुटेरेस हैं, वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ही हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में जानकारी, यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है। दोस्तों यह उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1999 में इसकी घोषणा की थी। तब विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। दोस्तों इस दिन को मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च हुआ था। दोस्तों इस वर्ष की जो थीम थी या इस वर्ष का विषय कहें तो वह था द मून गेटवे टू द स्टार्स। ये 2019 का विषय था। इस सप्ताह के दौरान अंतरिक्ष एजेंसियों और जो एरोस्पेस कंपनियां हैं, स्कूलों, ग्रहों, संग्रहालयों और खगोल विज्ञान क्लबों द्वारा निर्धारित दुनिया भर में अंतरिक्ष शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हाल ही में गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका द्वारा यह शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। तो पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस सरकार में हुआ है और उसके द्वारा गंगा आमंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इस अभियान के बारे में। ये फोटो में आपको गंगा कूलिंग एक्सपेंडेशन रूट आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वह कौन है दोस्तों? तो वह हमारे जोधपुर राजस्थान से सांसद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है उनका नाम। वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्री ने दोस्तों एक गंगा आमंत्रण की शुरुआत की है। था यह शुरुआत नदी के हितधारकों से जुड़ने के लिए की गई है। यह गंगा नदी पर महीने भर चलने वाला एक अग्रणी खोजपूर्ण ओपन वाटर राफ्टिंग और जो कयाकिंग अभियान है, इसमें दोस्तों उत्तराखंड के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण का परिणाम जारी किया है? तो हाल ही में दोस्तों सितंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया था और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट जो जारी की है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई बैंक ने की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या विशेष रहा वो देखते हैं। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का आप लोगो देख पा रहे हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वह दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। अब चर्चा करते हैं इस सर्वेक्षण के बारे में। तो सर्वेक्षण के जो मुख्य बिंदु थे वह देख लेते हैं। तो जो पहला बिंदु था वह दोस्तों सितंबर में वर्तमान स्थिति सूचकांक और भविष्य की अपेक्षाओं के सूचकांक में गिरावट होने से उपभोक्ताओं की विश्वसनीयता कम हो गई है। दूसरा जो पॉइंट था वह सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार में गिरावट के कारण उपभोक्ताओं ने असंतोष जताया है। वह जुलाई 2019 की तुलना में आगे के वर्ष में अपनी आय पर कम आशावादी थे। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं ने पिछले एक वर्ष के मूल्य स्तर में वृद्धि का अनुमान लगाया है और उनमें से ज़्यादातर आने वाले वर्षों में कीमतों के और अधिक बढ़ने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों समग्र व्यय के साथ साथ आवश्यक व्यय पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं अभी भी मजबूती बनी हुई है, हालांकि विवेकाधीन व्यय पर उनकी भावनाएं कमजोर पड़ गई हैं। तो यह जानकारी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है
वह है अब तक के सबसे बड़े आर्कटिक अभियान मोजेक अभियान में शामिल होने वाले 300 रिसर्चर्स में से एकमात्र भारतीय कौन होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको कन्फर्म याद कर लें। तो अब तक का सबसे बड़े जो आर्कटिक अभियान मोजेक अभियान है उसमें भारत के विष्णु नंदन है वह भाग लेंगे और ये अकेले होंगे भारत से भागने वाले। अब इसके बारे में देखते हैं, तो फोटो में आपको मोजेक अभियान का ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में देखते हैं, तो केरल के जो पोलर रिसर्चर विष्णु नंदन है वह अब तक के सबसे बड़े जो आर्कटिक अभियान मोजेक अभियान है उसमें शामिल होंगे। दोस्तों वह मोजेक अभियान में शामिल होने वाले 300 रिसर्चर्स में से एकमात्र भारतीय होंगे। अब इनके बारे में देखते हैं, विष्णु नंदन कौन है? तो विष्णु नंदन है ये पिच ब्लैक पोलर विंटर के दौरान जर्मन की रिसर्च जो वेसल पोलर स्टर्न पर सवार होकर मध्य आर्कटिक की बर्फ से ढकी बड़ी चादर पर स्लाइड करते हुए जाएंगे और जर्मनी के जो अल्फ्रेड वेगेनर इंस्टीट्यूट में नेतृत्व में जो मोजेक अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा आर्कटिक अभियान है जो नॉर्थ पोल में इतने बड़े पैमाने पर एक साल के लिए अध्ययन करेगा। दोस्तों इस अभियान से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बेहतर मौसम अनुमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है, उनका नाम है दोस्तों बास्टियन स्वेनस्टीगर। तो ये बास्टियन स्वेनस्टीगर इसका राइट आंसर हो गया। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे इनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में आपको बास्टियन स्वेनस्टीगर दिखाई दे रहे हैं, ये जर्मनी के खिलाड़ी थे। तो जर्मन के जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप बास्टियन स्वेनस्टीगर ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। दोस्तों स्वेनस्टीगर ने अपने करियर का एक लंबा समय यूरोपीय दिग्गज जो ब्रायन म्यूनिक में बिताया है और जहां उन्होंने 2013 में 8 बुंडेसलीगा खिताब और 7 जर्मन कप और चैंपियंस लीग जीते हैं। उन्होंने 2002 से 2015 तक बवेरियन के लिए 300 से अधिक मैच खेलकर 45 गोल किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव कहाँ से शुरू हुआ है? तो प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की हाल ही में शुरुआत हुई है, तो ये बेंगलुरु से शुरू हुआ है। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं, तो पहले इसका पोस्टर आप देख लीजिए। तो ये लॉन्चिंग प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम हो गया जिसे ध्रुव नाम दिया गया है। ये इसकी दोस्तों शुरुआत की गई है 10 बजे 10:30 अक्टूबर 2019 को, और वेन्यू कहाँ पर हुआ है? ये बेंगलुरु में जो अंतरिक्ष भवन है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके आयोजन किसके द्वारा किया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव बेंगलुरु के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से शुरू हुआ है और जो IIT दिल्ली में संपन्न होगा। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान लाने में योगदान करने वाले छात्रों की अभिनव कल्पना कौशल और ज्ञान को और तेज करना है। दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए विज्ञान गणित और प्रदर्शन कला से 60 प्रतिभाशाली छात्रों को चुना गया है। अब इसके बारे में देखते हैं, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह देख लेते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 10 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं, ये फोटो में आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019 आपको दिखाई दे रहा है। इस वर्ष का इसका सब्जेक्ट क्या रहा वह भी देखते हैं। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों जिसके द्वारा मनाया जाता है उसका नाम है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं वह टेड्रोस एडहानम इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है। दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना, मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाना है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को उनके कार्य के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही विश्व भर के जो लोग हैं उस लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो इस वर्ष का जो विषय था वह था सुसाइड प्रिवेंशन, ये इस वर्ष का 2019 का विषय था। इस साल दोस्तों यह दिवस WHO इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ के द्वारा समर्थित है और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का
करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर होता होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए बना पहला राफेल फाइटर जेट जिसे RB-001 नाम दिया गया है वह किस देश में बना है? रूस में, फ्रांस में, जापान में या चाइना में, चीन में? तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देकर आप बताइए कि हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।